ये है टाटा नेक्सन XZ प्लस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टाटा नेक्सन XZ प्लस सीरीज के बारे में, जिसमें चार वेरिएंट्स हैं, जिसमें पहला है XZ प्लस, जिसकी प्राइस इंडिया में 8,66,000 रुपीज़ यानी 8,66,000 रुपये, और XZ प्लस ड्यूअल टोन ये दूसरा वेरिएंट है इसका, जिसकी प्राइस इंडिया में 8,86,000 रुपीज़ मतलब 8,86,000 रुपये। तीसरा वेरिएंट है XZ प्लस डीजल, जिसकी प्राइस इंडिया में 9,51,000 रुपीज़ यानी इसकी प्राइस है 9,51,000 रुपये। और लास्ट में है XZ प्लस डीजल ड्यूअल टोन, जो कि टॉप मॉडल है टाटा नेक्सन का, इसकी प्राइस इंडिया में 9,71,000 रुपीज़ यानी 9,71,000 रुपये। तो यहाँ पे जो पहले दो वेरिएंट्स हैं XZ प्लस और XZ प्लस ड्यूअल टोन, ये पेट्रोल मॉडल हैं, ये पेट्रोल गाड़ी है दोनों, और इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ इंजन, वो है 1200 सीसी की, और इसकी जो माइलेज है वो लगभग 17.88 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, यानी 17.88 किलोमीटर पर लीटर। और जो लास्ट के दो वेरिएंट्स हैं XZ प्लस डीजल और XZ प्लस डीजल ड्यूअल टोन, इसमें आपको 1497 सीसी यानी लगभग 1500 सीसी का इंजन मिलता है, डीजल गाड़ी है ये, और इन दोनों में आपको जो माइलेज मिलेगी वो है 23.97 किलोमीटर प्रति लीटर यानी लगभग 24 किलोमीटर प्रति लीटर की। तो अभी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन XZ प्लस के बारे में, जिसकी प्राइस है इंडिया में 8,66,000 रुपीज़ यानी 8,66,000 रुपये, और इसकी EMI स्टार्ट होती है 15,824 रुपीज़ से यानी 15,824 रुपये से। सो फ्रेंड्स, जब तक वीडियो में ओवरव्यू चल रहा है, हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो बात करते हैं इसके डायमेंशंस एंड वेट की। यहाँ पे जो लेंथ है इस गाड़ी की यानी लंबाई, वो है 3,994 मिलीमीटर। विड्थ की बात करें चौड़ाई की, तो वो है 1,811 मिलीमीटर। हाइट की बात करते हैं ऊंचाई की, तो वो है 1,607 मिलीमीटर। बात करते हैं व्हील बेस की, तो वो मिलेगा आपको 2,498 मिलीमीटर का। बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की 209 मिलीमीटर। बात करते हैं इसके डोर्स की यानी दरवाज़ों की, तो इसमें 5 दरवाजे दिए गए हैं, 5 लोगों की बैठने की जगह इसमें, और नंबर ऑफ सीटिंग रोज इसमें 2 हैं। बूट स्पेस इसका 350 लीटर्स का है, एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको वो मिलेगी 44 लीटर की यानी लगभग 44 लीटर्स की। तो अब बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम की। यहाँ पे आपको इंजन टाइप मिलेगा 1.2L टर्बोचार्ज्ड रिवोट्रॉन इंजन। इस गाड़ी में 4 वॉल्व या सिलेंडर्स लगे हुए हैं इसमें, और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दैट इज़ DOHC। इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें दैट इज़ 1,198 सीसी यानी लगभग 1200 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है। माइलेज की बात करें दैट इज 17.88 किलोमीटर पर लीटर यानी 17.88 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। बात करते हैं टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर की, दैट इज़ टर्बो चार्ज्ड। ड्राइव ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगी ये गाड़ी। अब बात करते हैं इसके सिलेंडर के डायमेंशंस की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बोर बाय स्ट्रोक 77 मिलीमीटर बाय 85.8 मिलीमीटर। आगे बात करते हैं इसके फ्यूल टाइप की, तो दैट इज़ पेट्रोल, ये पेट्रोल गाड़ी है। मैक्सिमम पावर की बात करें दैट इज़ 108 BHP एट द रेट ऑफ 5000 RPM। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें दैट इज़ 170 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1750 RPM। 6 गियर्स मिलेंगे इसमें, 6 गियर्स आ देगा, और ट्रांसमिशन टाइप की बात करें दैट इज मैनुअल। 3 सिलेंडर्स इनलाइन दिए गए हैं इसमें, एंड ड्राइविंग मोड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कार। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं सस्पेंशन, ब्रेक्स एंड स्टेयरिंग की। तो यहाँ पे सस्पेंशन फ्रंट जो मिलेगा आपको, अगला सस्पेंशन वो है इंडिपेंडेंट MC4SEN डुअल पाथ स्ट्रट विद कॉयल स्प्रिंग। आगे बात करते हैं सस्पेंशन रियर की यानी पिछले सस्पेंशन की, दैट इज ट्विस्ट बीम विद कॉयल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। यहाँ पे जो फ्रंट ब्रेक टाइप है यानी अगली ब्रेक है वो है डिस्क, एंड रियर ब्रेक टाइप इज ड्रम यानी पिछली ब्रेक ड्रम दी गई है। मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ दिस कार इज 5.1 मीटर्स यानी 5.1 मीटर्स की इसकी मिनिमम टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी की। बात करते हैं स्टीयरिंग टाइप की, दैट इज पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग। व्हील्स की बात करें दैट इज अलॉय व्हील्स। स्पेयर व्हील इज स्टील। फ्रंट टायर्स एंड रियर टायर्स की जो मेजरमेंट है वो है 215/60/R16। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके कलर्स की। नेक्सॉन XZ प्लस के जो कलर्स अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में वो हैं मोरक्कन ब्लू, सीटल सिल्वर, ग्लासगो ग्रे एंड कैलगरी वाइट और वर्मोंट रेड। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स की, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन है,
जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ उसे क्लिक कीजिए और उसके पास में ही बेल आइकन उसे क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तो अब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। मैं ऐसी वीडियोस डेली डालता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की। यहां पे सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी फीचर। तो सेफ्टी फीचर में इसमें दो एयरबैग्स हैं फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। और आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेफ्टी फीचर की, दैट इज चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स। यहाँ पे ये भी अवेलेबल हैं। सीट बेल्ट वार्निंग इज ऑल्सो अवेलेबल। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी EBD यहाँ पे आपको मिल रहा है। लॉक्स एंड सिक्योरिटी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन इमोबिलाइजर मिल रहा है। सेंट्रल लॉकिंग इज रिमोट कंट्रोल्ड एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक इज ऑल्सो अवेलेबल। बात करते हैं इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सेक्शन की। इन दिस सेक्शन एयर कंडीशनर इज ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे एयर कंडीशनर यानी AC दी गई है ऑटोमेटिक। एंड बात करते हैं रियर AC की, दैट इज वेंट्स। और यहाँ पे केवल वेंट्स के लिए दी गई है। 12V पावर आउटलेट्स इसमें। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें, दैट इज टिल्ट, यानी कि यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट दी गई है, टिल्ट एडजस्टमेंट है उसका। कीलेस स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है इसमें, यानी कि यहाँ पे आपको बटन स्टार्ट भी मिलेगी। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर फॉर रियर मिलेंगे, यहाँ पे रियर यानी पीछे के लिए मिलेंगे। एंड बात करते हैं इसके पार्किंग असिस्ट की, दैट इज रिवर्स कैमरा। यहाँ पे रिवर्स कैमरा लगा हुआ है फॉर पार्किंग। बात करते हैं एंटी ग्लेयर मिरर्स की। यहाँ पे आपको मैनुअल मिलेगा फॉर इंटरनल ओनली। एंड वैनिटी मिरर्स ऑन सर्वाइवर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर के लिए ये चीज़ मिल रही है, वैनिटी मिरर्स ऑन सन विजर्स। हीटर इज ऑल्सो अवेलेबल। अब बात करते हैं इसके सीट्स एंड अपोस्ट्री की। यहाँ पे आपको सीट अपोस्ट्री मिलेगी फैब्रिक। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। एंड हेडरेस्ट की बात करें, दैट इज फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ, यानी आगे और पीछे दोनों के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट इज मैनुअल हियर। ड्राइवर आर्मरेस्ट की बात करें, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कार। रियर पैसेंजर सीट्स की बात करें, दैट इज बेंच। एंड इंटीरियर इसका ड्यूअल टोन का है। इंटीरियर कलर्स की बात करें, दैट इज 3-टोन इंटीरियर स्कीम। बात करते हैं रियर आर्मरेस्ट की, दैट इज विद कप होल्डर्स। यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट जो है वो कप होल्डर्स के साथ दिया गया है। फोल्डिंग रियर सीट्स की बात करें, दैट इज फुल, यानी यहाँ पे फुल फोल्डिंग रियर सीट्स हैं। स्प्लिट रियर सीट की बात करें, उसका रेशियो है 60:40। यहाँ पे आपको इसके साथ मिलता है फ्रंट सीट पॉकेट्स। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे फ्रंट के लिए दिया गया है। स्टोरेज सेक्शन की बात करें, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ दोनों के लिए मिलेगा। एंड बात करते हैं इसके ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज की, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विद दिस कूल्ड ग्लो बॉक्स। यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डोर्स, विंडोज, मिरर्स एंड वाइपर्स की। तो यहाँ पे आपको वन टच डाउन मिल रहा है फॉर ड्राइवर ओनली। एंड पावर विंडोज यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट और रियर की, तो दोनों तरफ आपको मिलेगा पावर विंडोज। एंड आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स यानी ORVMs यहाँ पे बॉडी कलर्ड हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल हैं। आगे बात करते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM की, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस का। रियर डिफॉगर है इसमें। एंड बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की, दैट इज बॉडी कलर्ड। इंटीरियर डोर हैंडल्स की बात करें, वो क्रोम मिलेगा आपको। डोर पॉकेट्स यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों के लिए मिलेंगे। एंड बात करते हैं बूट लिड ओपनर की, दैट इज रिमोट ऑपरेटेड, मतलब बूट लिड ओपनर यहाँ पे आपको रिमोट ऑपरेटेड मिलेगा। बात करते हैं एक्सटीरियर सेक्शन की। इन दिस सेक्शन देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट इज रूफ रेल्स, यानी रूफ रेल्स मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड रूफ माउंटेड एंटेना मिलेगा। रूफ कलर्ड यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी मिलेगा। बात करते हैं लाइटिंग सेक्शन की। हेडलैम्प्स यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलेगा आपको, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स इसमें। डे टाइम रनिंग लाइट्स इसमें। फॉग लैम्प्स यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों के लिए दिया गया है। टेल लैम्प्स यहाँ पे LED दी गई है। केबिन लैम्प्स यहाँ पे सेंटर के लिए दिया गया है। एंड बात करते हैं हेडलाइट हाइट एडजस्टर की, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। ग्लो बॉक्स लैम्प की बात करें, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स यहाँ पे को ड्राइवर के लिए केवल दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग मिलेगा। ट्रिप मीटर इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर 2 ट्रिप्स। एवरेज फ्यूल कंजप्शन इसमें। एवरेज स्पीड है इसमें। डिस्टेंस टू एम्प्टी है इसमें। एंड क्लॉक इज डिजिटल हियर। बात करते हैं लो फ्यूल लेवल वार्निंग की, डोर अजर वार्निंग की, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस की एंड गियर इंडिकेटर की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। शिफ्ट इंडिकेटर इसमें डायनेमिक लगा हुआ है। टैकोमीटर इज एनालॉग हियर। तो अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट की। इंफोटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की। बात करते हैं इंटीग्रेटेड इंडास म्यूजिक सिस्टम की, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस का। हेडर यूनिट साइज फॉर 2 DIN हियर इज अवेलेबल। यहाँ पे आपको मिलती है टच स्क्रीन डिस्प्ले। GPS नेविगेशन सिस्टम है इसमें। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा आपको स्पीकर्स मिलेंगे।
कॉम्पेटिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे यूएसबी ऑक्स कॉम्पेटिबिलिटीज एंड ब्लूटूथ कॉम्पेटिबिलिटीज यहाँ पे मिलती हैं। ब्लूटूथ यहाँ पे सपोर्ट करता है फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, MP3 प्लेबैक इसमें, CD प्लेयर है इसमें। आगे बात करते हैं FM रेडियो, AM रेडियो की, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कार। आईपॉड कॉम्पेटिबिलिटी है इसमें, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड भी है इसमें। लास्ट में बात करते हैं मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो इस कार की वारंटी है 2 साल की एंड 1 लाख किलोमीटर्स की। टाटा इसकी वारंटी देती है 2 साल की और 1 लाख किलोमीटर तक की। बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की, तो लखनऊ में इसकी एक्स शोरूम प्राइस है इसकी लखनऊ में 8,63,638 रुपीज़। RTO की जो यहाँ पे खर्च आएगा RTO में वो है 73,591 रुपीज़। इस गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है 38,128 रुपीज़ की और इस गाड़ी की जो हैंडलिंग चार्जेस हैं वो हैं 5,500 रुपीज़, यानी ऑन रोड प्राइस इसकी टोटल होती है 9,80,857 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्यांशु तिवारी एंड यू वॉचिंग टाटा नेक्सन XZ+। थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।